ये स्टफिंग रखी हुई है आलू की, तो मैं सोच रही हूँ इसका एक पराठा बना लेती हूँ। पराठा रेडी है, तो ये दही है साथ में पराठे हैं, और मैं जल्दी से सहरी करती हूँ। अब जाकर मेरी सहरी हो गई है, और आज थोड़ा सा मैंने सोचा पराठा बना लेती हूँ। तो रात को मैंने वो ब्रेड पकौड़े बनाए थे ना, उसकी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा इसी में एक आलू का पराठा, मतलब स्टफिंग फिल करके, और एक पराठा बना लेती हूँ। कल क्या हुआ, परसों मैंने बिना सहरी का रोज़ा रखा था, और कल मैंने एकदम सहरी में एकदम लाइट खाया था, मतलब बस दो ब्रेड स्लाइस खाए थे वो जैम के साथ। तो कल क्या हुआ पता नहीं, अजीब से मेरी रात शाम को इतनी तबीयत सी ख़राब होने लगी थी। कल 6 बजे के समथिंग ना मुझसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था। तबीयत ख़राब ना हो जाए इसलिए तबीयत का भी ध्यान दे रहा, इसलिए आज थोड़ा मैंने सोचा पराठा बना लेती हूँ और अच्छे से थोड़ा सहरी करती हूँ, वीकनेस ना आए। तो बस अभी मेरी सहरी हो गई है, और बस अब पानी पीना है, थोड़ी देर से 10 मिनट बाद पानी पीऊँगी सहरी के बाद। अब जाकर आपसे मिल रही हूँ, और दोपहर में वही घर के छोटे मोटे काम थे, उसके बाद मैं अभी नमाज़ पढ़ने के बाद दोपहर में सो गई थी थोड़ा सा। उसके बाद अभी फिर टाइम हो गया 4:15 बज गए, तो मैंने कहा चलो अब नमाज़ पढ़ लेते हैं असर की। उसके बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ, और अभी हो गया है इफ्तार बनाने का टाइम। भाई मैं सोच रही हूँ आज कुछ सिंपल बनाती हूँ, तो जो मेरा फेवरेट खाना है आज मैं वही बनाने की सोच रही हूँ। जब से रमज़ान शुरू है ना, मैंने दाल चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए, और दाल चावल मुझे सच में बहुत पसंद है। सारे खाना एक तरफ और दाल चावल एक तरफ, बहुत लाइट खाना रहता है और अच्छा भी रहता है। मैं सोच रही हूँ आज मैं वही बना लूँ, तो वो बनाती हूँ मैं, और देखती हूँ साथ में इफ्तार में क्या, अभी सोच कर बताती हूँ कि इफ्तार में क्या बनाऊँगी। पर दाल चावल का मेरा फिक्स, आज मैं दाल चावल बनाने वाली हूँ। मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल भी कर रहा है, क्योंकि अभी लगातार दो तीन दिन छोड़ कर ऐसे पकौड़े वगैरह बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइट खाऊँ। तो आज मैं दाल चावल ही बनाने वाली हूँ, और बाकी के इफ्तार में देखती हूँ, इफ्तार में भी मैं लाइट ही रखूँगी, बस टोटल फ्रूट्स ही देखती हूँ, बाकी एक आध कुछ बनाऊँगी तो वो देखती हूँ। और बस अब थोड़ी देर से किचन में ही मिलूँगी मैं आपके लिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर किचन में जाकर खाना बनाना शुरू करूँगी। तो जो भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रही है। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ किचन में, और मैंने सोच लिया कि मैं इफ्तार में आज क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ कि उस दिन मैंने खमन ढोकले बनाए थे ना, तो बहुत अच्छे बने थे, तो आज भी दिल चाह रहा है कि थोड़े से वही बना लेते हैं, अच्छे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात वो ऑयली नहीं होते हैं, स्टीम में बनते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से वही बना लेती हूँ, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है, 15 से 20 मिनट टाइम ज़्यादा लगता है। तो अब मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ। मैं इस कप से नाप कर लेती हूँ, 2 कप डालूंगी। चावल भी मैं चढ़ा देती हूँ गैस पर, उसके बाद फिर कटिंग का काम कर दूंगी, फ्रूट्स कटिंग का।
अब इस मोल्ड को मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से इस तरह से। उसके बाद फिर बस हम इसमें ढोकले का बैटर मिक्स कर देंगे। अब इनो, पहले इनो ये है, इनो डलेगा इसमें बैटर में, तो इनो को जस्ट डालकर फिर ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता है उसको। उसके बाद इस तरह से इसी कंसिस्टेंसी रखते हैं। और ये मेरा बैटर भी तैयार है। इसका पूरा ब्लॉग मैंने लास्ट 3-4 दिन पहले शेयर किया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए, अब ये मिक्स कर दूँगी मैं इनो, और उसके बाद फिर बस हम इसको जस्ट एक चम्मच घुमाकर उसके बाद बस हम इसको स्टीमर में रख देंगे। ये देखिए, मतलब इनो डालते ही बहुत ज़्यादा फूल जाता है ये बैटर। अब ये देखिए, यहाँ पर ये तैयार हो रहा है तड़का इसका, ढोकले का। ढोकले भी रखे हैं, और जल्दी से मैं आप मुझे फ्रूट्स कट करने हैं, वो और कर लेती हूँ। तो ये देखिए, हाँ ये बन चुका है, तो इसको निकाल लेते हैं अब। और अब हो गया इफ्तार का वक्त, तो बस यहाँ पर मैं अपना रोज़ा खोल रही हूँ। इसी तरह से मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।